आयुष ग्राम ट्रस्ट के प्रकल्प आयुष ग्राम चिकित्सालय की सफलताओं के क्रम में एक क्रिटिकल केस श्री एस के सिंह जी का है। ये आप पटेल नगर उरई जालौन से हैं ना जी? आप एस के सिंह जी हैं और आप एस के सिंह जी के बेटे हैं, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार नाम है इनका। 2019 में इनको हार्ट अटैक आया। हाँ। इसके बाद इन्होंने सर्जरी करवाई, दवाई चलती रही, थायराइड की भी समस्या हो गई। ये बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं कि जिनकी बाईपास सर्जरी हो जाती है उनकी, या जिनका स्टेंट एंजियोप्लास्टी हो जाती है उनमें किडनी फेलियर की बाद में समस्याएं आ ही जाती है, क्योंकि उसमें देखने को मिलता है। ब्लड शुगर की लोग दवा खाते रहते हैं, लोगों को रहता है कि ब्लड शुगर हमारा नॉर्मल है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल तो वो केवल ब्लड में शो होता है ना, बाकी तो अंदर अंदर काम करता रहता है रोग, तो किडनी फेलियर हो जाता है। तो यही स्थिति इनके साथ हुई कि किडनी फेलियर हो गया। फिर ये चिकित्सा कराने कहाँ गए? हम पूरे होम टाउन है हमारा। अच्छा। वहाँ सबसे पहले एक हॉस्पिटल है अवध, उसमें मिस्टर जीतन राजपूत को दिखाया, क्योंकि पापा को एकदम से हुआ कि रात में बाथरूम निकल जाए, कितना भी कोशिश करें उठने बाथरूम जाने की कोशिश करें अपने आप बाथरूम हो जाए। उनके पास गए तो वो उन्होंने कुछ जाँचें कराई, लेकिन शायद वो जज नहीं कर पाए और उन्होंने कैथेटर डाल दिया। कैथेटर से कुछ दिन बाद हल्का सा आराम लगा, उसको निकलवाए। फिर हमारे यहाँ एक सर्जन है डॉक्टर चंद्रा साहब, उनको दिखाया तो उन्होंने KFT कराने के लिए बोला। जब हमने KFT कराया तो उसमें उन्होंने देखा कि क्रिएटिनिन भी बढ़ा है और यूरिया भी बढ़ा है और पोटेशियम भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, पोटेशियम सीरम। तो फिर चूँकि हमने काफ़ी टाइम पहले आप हमारे मोहल्ले से ही एक लोग आए थे, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया था, चंद्रा साहब ने तो कह दिया था जाइए भाई डायलिसिस कराए। तो हमने प्लान किया कि नहीं पहले आपके पास आए, आपके पास आने के बाद हाँ आयुष ग्राम चिकित्सालय में आप आए, 7 दिसंबर को आए जी, इनकी चिकित्सा शुरू हुई और अभी जब रिपोर्ट कराई गई इनकी 1 महीने बाद, तो इतनी अच्छी रिपोर्ट आई है कि यूरिया क्रिएटिनिन दोनों डाउन हो गए और पोटेशियम नॉर्मल हो गया जी, बिल्कुल, और फास्फोरस भी नॉर्मल हो गया और हीमोग्लोबिन भी बढ़ के इनका 11 से 12.4 हो गया। हाँ। और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी एस के सिंह ने बताया कि लगभग मुझे 80% फायदा है जी, यही है ना? हाँ, थोड़ी कमजोरी महसूस होती तो हमने बता दिया कि चूंकि उम्र आपकी 70 वर्ष है और इस उम्र में और जिसकी बाईपास सर्जरी हो गई हो वो भी केस रिकवर हो रहा है, तो और जिनकी बहुत समस्या थी कि रात में इनको 30-40 बार पेशाब जाना पड़ता था, अब केवल 5-6 बार जाना पड़ता है, सफलताएं मिल रही हैं। तो लास्ट टाइम जब आए थे हम लोग उरई से, तो पापा जी पूरे रास्ते लेटे रहे, 2 मिनट को उठते थे, आज पूरे रास्ते गाड़ी में बैठ के आए सुकून से, मतलब एनर्जी उस टाइम से और हमें 1 महीने में बहुत उनको खुद ही फील कर रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल। तो चलिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आयुर्वेद में जीवन जीते रहें, भगवान का आश्रय लें, भगवान का भजन करें।